बढ़ते आगे, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। रिस्पना और बिंदाल नदियां भी उफान पर हैं। प्रदेश में कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से कई जगह जल भराव देखने को मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगातार जो मौसम की स्थिति है वो विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। लगातार बारिश हो रही, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, भूस्खलन की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। देखिए साहिल, पूरे उत्तराखंड में इस समय रुक रुक करके बारिश का दौर है वो जारी है और मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट है, लेकिन तमाम जगहों पर भूस्खलन जैसी घटनाएं भी आ रही हैं, सड़कें अवरुद्ध हैं और खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी तरह से मैदानी क्षेत्रों में भी स्थिति काफी गंभीर हो गई है। कई क्षेत्रों में, कई घरों में पानी घरों में घुस गया है। जो बरसाती नदियां हैं उत्तराखंड की, वो उफान पर हैं। आम तौर पर जो बरसाती नदियां हैं उसमें एक बात देखने को जरूर मिलती है कि पानी का बहाव जो है बहुत तेजी से आकर के निकल जाता है, लेकिन उस बीच जो नदियों के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए खतरा बरकरार है, खतरा बना हुआ है। सभी जिलों के जो जिला प्रशासन है उन्होंने सभी नदियों किनारे रहने वालों को अलर्ट किया है। इसी तरह से राजधानी देहरादून में भी नगर निगम की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति है तो तुरंत फोन करके वहां पर सूचना दे सकते हैं। नदियों किनारे रहने वाले लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो सतर्क रहें और बारिश की स्थिति होती है यानी ज्यादा तेज बारिश बहाव आता है अगर जल, तो उससे कैसे बचा जाए ये बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में जगह जगह पर लगातार भारी बारिश की जो सूचनाएं मिल रही हैं और सड़कें अवरुद्ध हैं उनको खोला जा रहा है। देहरादून के जो कालसी और चकराता मोटर मार्ग है, जो मुख्य मार्ग है, वो इस समय अवरुद्ध हो रखा है और इसको खोला जा रहा है। प्रशासन के लोग वहां पर मौके पर मुस्तैद हैं और मार्ग को इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि वो मुख्य मार्ग है। इसी तरह से पूरे प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो मुख्य मार्ग हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, वहां पर मलबा आ गया है तो उनको दुरुस्त किया जा रहा है ताकि आवागमन जो है बाधित ना हो और आवागमन सुचारू हो सके। मौसम विभाग ने 30 तारीख तक के लिए अलर्ट जारी किया है विभिन्न क्षेत्रों के लिए। कुछ एरिया के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, कुछ जगह पर येलो अलर्ट जारी किया है और इसी तरह से सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम भी पूरे प्रदेश के सभी 13 जिलों पर नजर रखे हुए हैं और सभी जगहों से जो सूचनाएं हैं वो वहां पर दी जा रही है। तुरंत उस सूचनाओं को फ्लैश किया जा रहा है ताकि संबंधित क्षेत्रों पे जाकर के वहां पर सारे स्थितियों को व्यवस्थित किया जाए, सुचारू किया जाए। अभी तक 200 से अधिक जो है जगह ऐसे हैं, मार्ग हैं वो अवरुद्ध हैं, उनको खोला जा रहा है। छोटे बड़े मार्ग हैं उनको खोला जा रहा है। सभी क्षेत्रों का जो जिला मुख्यालय से संपर्क रहे ये देखा जा रहा है, कनेक्टिविटी में कोई कमी ना आए इसके लिए प्रशासनिक अमला अलर्ट है और सभी लोगों को मुस्तैद किया गया है। जी साहिल, चलिए अजय आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि भारी बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई है, अलग अलग जगहों पर भूस्खलन भी हो रहा है जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। बीआरओ की टीम लगातार रास्ते खोलने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तो प्रशासन ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।